अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का मौजू है तहजीबी कशमकश की वजूहात, तहजीबों के तसादम के नज़रिए का तनकीदी जायजा। हमारे तहजीब नज़र में ये तहजीबी कशमकश बिला वजह नहीं बल्कि ये एक फितरी है। हम तहजीबों के तसादम के नज़रिए का तनकीदी जायजा लेते हैं। इसकी वजूहात जो हैं वो मदरजा ज़ैल हैं। नज़रियाती इख्तलाफ़ है। इस्लामी और मगरबी तहजीब के टकराव की वजह इन दोनों के दरमियान नज़रियाती इख्तलाफ़ है। दोनों के दरमियान तसादम दो निकात पर हैं। उमर साहब जामिया हलगेर अल्बर्टा कनेडा लिखते हैं, इस्लामी फ़िक्र की बुनियादें जो मगरबी फ़िक्र की इंसानी बुनियादों के बरक्स इल्हामी और इंसानी इस्लाम के अहजा के एक मफरूज़ा पेश करती हैं जो खारजी और माशी हकाइक से आज़ाद हो। इस्लाम को इसके इल्हामी फितर से अलग करने की कोशिश इसकी हैसियत को कम करने वाली बल्कि बिल्कुल गलत है। इस्लाम एक इल्हामी दीन और मगरब सिर्फ़ और सिर्फ मादत पर यकीन रखता है। जो मुसलमान जो इस्लामी तहजीब है और मगरबी तहजीब का जो तसादम है वो कोई मीन के अब उनका अपना क्रिएट करदा नहीं है। इसके अंदर यह है कि ये एक फितरी अमल है, क्योंकि जो मगर इस्लाम का जो इनका नज़रिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इल्हामी है। मीन के जो भी हमारा हम इस बात पर आज मुस्लिम इस बात पर बिलीव रखते हैं कि हमारा हम पे जो रिस्ट्रिक्शन हैं या जो भी अहकाम है ज़िंदगी के मामलों के अंदर जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जो हमारे लिए मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए जो रूल्स रेगुलेशन उतारे हैं वो क्या हैं, सारे के सारे इल्हामी हैं। तो उसका जो है जब अहया किया जाता है इस्लाम जो ज़िंदगी के अंदर, तो हम लोग क्या जो हैं एज ए मुस्लिम और एज ए पर्सन हम लोग क्या फलाह पाते हैं, मीन कि दुनियावी ज़िंदगी के अंदर भी और रूहानियत की सतह पर भी। जबकि जो हैं मगरबी तहजीब वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो हैं उनके जो नज़रियाती खिलाफ भी इस वजह से कि उनके जो मज़हब के उनके जो नज़रियात हैं वो अलग हैं और ज़िंदगी गुजारने के जो उनके रूल्स और रेगुलेशन हैं वो अलग हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उनके सारे के सारे जो ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो मादियत पर हैं और वो सिर्फ मादियत के मामलात जो हैं उसी को वो फॉलो कर रहे होते हैं और ज़िंदगी के सारे मामलात उसी के अकॉर्डिंग वो डील कर रहे होते हैं। तसव्वुर मज़हब इस्लाम के मजहबी तसव्वुर में ये बात अजा है कि ये पूरी ज़िंदगी का ज़ाबता हयात है, जबकि मगरबी तहजीब मजहबी तसव्वुर को सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी तक महदूद समझती है और इज्तमाही ज़िंदगी को इसके ताबा नहीं समझती। इनके अंदर तसव्वुर मज़हब ये है कि जो इंसान का ये एक इंडिविजुअली मामला है जो कि वो मज़हब को कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। मीन कि जब कोई जो कलेक्टिव अगर कोई डिसीजन मेकिंग है कोई जिसके इज्तमाही तौर पे कोई है, मतलब जब कोई फ़ैसला किया जाए तो उसके अंदर जो क्या है कि उनके जो मज़हब का जो तसव्वुर है उसको जो है वो इसको इसके ताबा नहीं समझते, उसको जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो डील करते हैं, उसको वो सारे के साथ मादियत पे वो डील कर रहे होते हैं। तो वो इस लिहाज से भी जो इनके अंदर क्या है कि उनका जो मजहबी तसव्वुर है वही जो है वो उसको वो पूरी ज़िंदगी के लिए उसको अपने लिए वो काबिल नहीं समझते और वो उसके अकॉर्डिंग भी वो ज़िंदगी नहीं गुजारते। तसव्वुर मफादात का इख्तलाफ। इसके अलावा इन दोनों में एक बड़ी वजह तनाज़ा ये भी है कि दोनों का तसव्वुर मफादात मुख्तलिफ। इस्लाम अपने मफादात के साथ साथ दूसरों हत्ता के गैर मुस्लिमों के मफादात की हिफाजत का कायल है, क्योंकि ज़ाती मफाद कोई मकसद ज़िंदगी नहीं, जबकि मगरबी तहजीब में असल मकसूद अपने मफादात हैं। इसके लिए वो हर अच्छा हठकंडा इस्तेमाल करना जायज़ समझते हैं, जबकि इस्लाम नाजायज़ तरीके से असूल माल को बाय से तबाही समझता है। इरशाद बारी ताला है, लोगों आपस में एक दूसरे का माल गलत तरीके से ना खाओ, क्योंकि इस्लाम का जो तसव्वुर ज़िंदगी है वो इल्हामी है, जिसकी वजह से जो हम अपनी एज ए मुस्लिम हम लोग अपने पे जो रूल्स रेगुलेशन जो हैं लागू समझते हैं वो अल्लाह की इल्हामी किताब में मुसलमानों पे उतारे गए हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि लोगों आपस में एक दूसरे का माल गलत तरीके से ना खाओ। तो मुसलमान एज ए मुस्लिम इस बात पे बिलीव रखता है कि उसको दूसरे का माल जो है वो गलत तरीके से नहीं खाना। तो लेकिन जब जो कि इनका तसव्वुर जबकि मगरब के जो लोग हैं उनका तसव्वुर जो है वो सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद है, उसके अंदर वो दूसरों की मीन के वो उसको शरीकदार नहीं समझते, वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए हर जो है जो अखलाकियत से गिरा मतलब तरीका है उसको भी अपनाने में शेम फील नहीं कर रहे होते। मीन के उनको अपने जो है गेन है जो अपना जो मकसद है उसको गेन करने के लिए हर वो घटिया तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जबकि इस्लाम जो है वो दूसरों अपने आज़ाद के अलावा इज्तमाही जो हकूक़ है उसके अलावा इज्तमाही जो मुसलमानों के हकूक़ के अलावा गैर मुसलमों के हकूक़ की भी हफाजत का कायल है। मगरब का मशरक़ से कौमी तअस्सुब। मगरबी लोग मशरक़ी अक़वाम को घटिया समझते हैं। मशरक़ी अक़वाम में मुसलमान चूँकि अक्सरियत में हैं इसलिए इनसे नफरत इनके तअस्सुब का हिस्सा। अलावा अज़ीम व मशरक़ी अक़वाम अता कि अपने हम मज़हब ईसाइयों को भी दूसरे दर्जे का इंसान समझते हैं। इनमें से कोई पपाए रूम नहीं हो सकता। इनसे शादी ब्याह के मामलात ना होने के बराबर हैं। मशरक़ी ईसाई में मुल्कते मसलन एथियोपिया फिलिपाइन और आर्मीनिया वगैरह मगरब हैं। उन्हें सिर्फ सियासी अगराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज तक कोई मशरक़ी ईसाई पोप ना बन सका। मगरब जो है कंट्रीज़ हैं उनका मशरक़ लोगों से इस कदर इनका तअस्सुब है कि वो मशरक़ जो है इसके अंदर मोस्टली वजह इसके तअस्सुब की क्या है कि मशरक़ जो जो ममालिक उनके अंदर मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से उनके अंदर उसका जो है एक मजहबी उनके अंदर तअस्सुब भी पाया जाता है। इसके अलावा उनके जो अपने मजहब के जो मशरक़ी ममालिक हैं उनके साथ भी उनका तअस्सुब इस वजह से है कि वो मशरक़ के अंदर रहते हैं जहाँ पर मुसलमान रहते हैं तो जिसके वजह से वो उनको भी दूसरे दर्जे के सिटीज़न समझते हैं। उनको उस तरह से उनको वो राइट्स नहीं देते जिस तरह से अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज़ के अंदर उनके अपने हम मज़हब जो लोग हैं उनको हैं। और उनके साथ जो मशरक़ी अकवाम के अंदर ईसाई हैं वो जो यूरोप और अमेरिका वगैरह के अंदर जो ईसाई रहते हैं उनके साथ उनके जो शादी ब्याह के तल्लुकात वो बहुत महदूद हैं। और उनको वो क्योंकि वो जो छोटी कंट्रीज़ हैं जिसकी वजह से उनके जो हैं जो वो इस तरह से उस तरह लिहाज से वो माशी लिहाज से जो है वो अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज़ के की तरह वो उतनी इस्टेब्लिश नहीं है असायद के दूरी और नाकस तलीमात। असायद एक मजहब है दीन है यानी ये ज़िंदगी की मुकम्मल रहनमाई नहीं करता। इसलिए मगरबी तहजीब को मजहबी सहारे ने नए मकीम बना दिया। वो असायद से सिर्फ अबादात तक तल्लुक़ रखते हैं अपने मामलात में मज़हब को दखल नहीं देने देते क्योंकि माजी में ईसाई मज़हबी रहनुमाओं ने बहुत जुल्म किए। इस तरह नाकस तलीमात और पासदारान ने मज़ाहिब के तशद्दुद ने मगरबी अकवाम को मज़हब का दुश्मन बना दिया। वो इसी फिक्र को इस्लाम पर मुसल्लत करना चाहते हैं जिससे तसादम होता है। असायद के जो हैं तलीमात हैं वो ज़िंदगी के अंदर वो नाकस हैं जिसकी वजह से वो एक अधूरा जो है मज़हब है। और इसके अंदर जो ईसाई की सारी तलीमात हैं वो ज़िंदगी के जो तमाम मामलात उनको जो है उसके लिए तलीमात नहीं पूरे फराम करते जिसकी वजह से इनको जो है वो इसके इनके मजहब ने इनको नीम हकीम बना दिया जिसके वो उनका जो तल्लुक सिर्फ आबादात तक अपने मजहब के साथ हैं। और इनके जो मजहबी रहनुमाओं हैं उन्होंने जो माजी में जो ईसाई मजहब के साथ जो है बहुत जुल्म किया वो उसके जो अच्छी तलीमात थी उसको उनके अंदर जो है जो कि वो इम्प्लीमेंट अपने पे वो लागू नहीं कर सकते उनको उन्होंने वहाँ से जो है वैसे ही उनको जो है अंदर से जो उनकी जो इस्लामी किताबें हैं वैसे उनको वहाँ से हटा दिया। और जो है उनका जो नया मज़हब है वो किसी और ही शक्ल में है जो वो जिस पे वो जो अब जिस पे जो है वो अमल करने को ज़िंदगी के तो सारे मामलों को में अमल नहीं किया जा सकता उस पर। और वो इसी सोच वो इसी फिक्र को इस्लाम पर जो है मुसल्लत करना चाहते हैं जिससे तसादम जो होता है वो क्रिएट होता है। खुदा फरमोशी खुदा की याद और इसकी हयात इंसानियत की जान होती है लेकिन मगरबी तहजीब ने खुदा को फरमोश कर दिया है। इस तरह इनमें खुदा खौफी के जज्बात ख़त्म हो गए। अब तो वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खुदा को याद नहीं करते। जंग अजीम दोम के ज़माने में लंदन में बसने वाला एक हिंदुस्तानी लिखता है खा पी कर हम लोग नाच रहे थे कि एक यका या खतरे का सायरन बजा। पहले तो एकदम खामोश हो गए मगर नाच बंद किए बगैर एक बोला कि क्या सलाह है। एक लड़की ने जवाब दिया नाचते रहेंगे चुनाचा हम सब नाचते रहे और गानों और कैकों से सारा मकान तो क्या सारा मल्ला गूंजने लगा। इस तरह खुदा और मजहब को अमलन देश से निकाल देने की कोशिश की गई। खुदा फरमोशी उनके अंदर जो है खुदा फरमोशी जो है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो जो है कि खुदा खौफी उनके से उनके जज्बात बिल्कुल जो हैं ख़त्म हो चुके हैं जिसकी वजह से वो मुश्किल के बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त के अंदर भी खुदा को याद नहीं करते बल्कि वो अपने ही जो है धुन में जो है मस्त रहते हैं। और एक हिंदुस्तानी लिखता है कि खा पी का जो है कि जंग अजीम जब दोम हुई तो उसके अंदर जो है बम्बारमेंट जो है हुई मोमिन के उसके अंदर जो है जंग अजीम दोम के अंदर जो लोगों बहुत ज़्यादा जो है लोगों का जानी नुकसान हुआ तो उसके अंदर उस सिचुएशन के अंदर भी वो क्या थे उनके अंदर खुदा खौफी नहीं थी उनके अंदर मीन के उसके अंदर कोई खुदा खौफी नहीं कि हम किस वक्त जो है
दुनिया से जा सकते हैं। तो उनके अंदर वक्त लिए एक हिंदुस्तानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखता है कि खा पी कर हम लोग नाच रहे थे कि एक जखा जा खतरे का साधन बजे, पहले तो एकदम खामोश हो गए मगर नाच बन के बगैर एक बोला क्या सलाह। एक लड़की ने जवाब दिया नाचते रहेंगे चुनाचे हम सब नाचते रहे, गानों और कैकों से सारा मोहल्ला तो मकान तो क्या सारा मोहल्ला गूंजने लगा, जिसके वजह मोहल्ला गूंजना। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि अमलन वो खुदा को भी अपने देश से निकाल देने की कोशिश में हैं। अलातवसाल का गलत इस्तेमाल, मगरबी तहजीब की सारी तरक्की में अलातवसाल का गलत इस्तेमाल मामूली बात है। इन चीज़ों को सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एटम बम 14 जुलाई 1945 में हिरोशिमा पर फेंका गया। हिरोशिमा की म्यूनसिपैलिटी के सदर ने 20 अगस्त 1949 को ऐलान किया कि लाख होने वालों की तादाद 2,10,000 से 2,40,000 तक थी। इस तरह अब अफगानिस्तान और इराक में लाखों मुसलमानों को मारा जा रहा है। अब इन वसाइल और लात को सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती मकासद में रुकावट बनने वाले ना सिर्फ ख़ास तौर पर मुसलमानों की तबाही के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वह मगरबी तहजीब के मफरूज़ा हरीफ हैं। तो इनके जो आलात वसाइल के अंदर जो मगरबी तहजीब ने तरक्की की है उसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और दुनिया में अपना जो दो दबदबा उसको कायम रखने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से उन्होंने जब एटम बम का जो है पहला एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने जो इंसानी जानों की परवाह करते हुए इसको हिरोशिमा पर फेंका, और हिरोशिमा के सदर ने इसका जो है 1949 के अंदर ऐलान किया कि जब जो वहाँ के लोग जो जिनके वो जो इस एटम बम की वजह से जो है लुकमा अजल बने, उनके अंदर 2,10,000 से 2,40,000 तक लोग थे जो कि जानने जाए हों। इस तरह से वो उसके बाद फल जिस तरह से वह अफगानिस्तान और इराक में जो हज़ारों मुसलमानों को जो है उन्होंने मौत के मुँह में उतारा, हालात जो हैं उनके और जिनके जो वसाइल जो उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों को इस वजह से उनके साथ इस तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि मुसलमानों का जो है मगरबी कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनका नज़रियाती जो है इख्तलाफ है इस्लाम से तअस्सुब। ये बात यकीन की हद तक दुरुस्त है कि मगरबी तहजीब इस्लाम से तअस्सुब और तंग नज़री रखती हैं, और इसका मज़ाहरा मुख्तलिफ शक्लों में होता रहता है। इन मज़ाहर का मुख्तसर खाका सब ज़ैल है। मुसलमान ममालक पर कब्ज़ा किया गया और उनके वसाइल को लूटा गया, यहाँ अपने मफादात वाले लोगों पर बेजाना याद की गया, उसके बरक्स मुखालफिन का घेरा तंग किया गया, मुसलमानों के दरमियान इतिहाद की कोशिशों को सबूताज किया गया, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को मौसर नहीं बनने दिया गया, और इस्लामी इतिहाद के दाई शाह फैसल को कत्ल करवा दिया गया, इस्लाम पसंद की आदत को जबरन ख़त्म करवाया गया, जैसे नाइजीरिया में हाजी तुफैल दिब्लियो, तुर्की में अदनान मेंदर रीस अरबकान, मिस्र में अख़वान अलमुस्लिमीन, पाकिस्तान में जमायत इस्लामी, सूडान में हसन तराबी, अफगानिस्तान में तालिबान, और अब ईरान और तुर्की की हुकूमत के खात्मे की कोशिश। अब मिस्र के सदर मुर्सी का तख्ता उलट दिया गया है। इस्लामी क़यादत या अच्छे अनासर के खात्मे के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए, मसलन फौजी इनकलाब, बरूनी हमले, माशरती और इक्तसादी हरबे और कौमियतों का इस्तेमाल, अलग कोई हरबा नहीं जो आजमाया ना गया हो। मुसलमानों के बारे में हर मामले में दोहरा मियार बरकरार रखा गया, जैसे इराक, कश्मीर, बोस्निया, फ़लस्तीन और चीचनिया में चूँकि मुसलमान मर्द हैं इसलिए वहाँ इंसानी हकूक मुतासर नहीं होते, जबकि मशरकी तमूर में असायत की वजह से जल्द मसला हल करवा दिया गया। ज़राए अबलाग के ज़रिए से गलत तदीबी अनासर खुशनुमा बनाकर पेश किए जा रहे हैं, जैसे बेहजाई अरानी मसीकी और नाच को रोशन ख्याली और तदाद पसंदी के नाम से काबिल कबूल बनाया जा रहा है, और ऐसी रिपोर्ट्स जो मुसलमानों के मुखालिफ हों पेश करके उन्हें आलमी सतह पर दहशत गर्द और बुनियाद परस्त के तौर पर बदनाम किया जा रहा है। निज़ाम तलीम के ज़रिए से इस्लामी नज़रियातों अकाद को कमज़ोर किया जा रहा है और लादीनी माहौल बनाया जा रहा है, जैसे कि अब पाकिस्तान में आगा खान तलीमी बोर्ड के क़याम की कोशिश हो रही है। इस्लामी शार पर पाबंदी लगाई जा रही है, मसलन जर्मनी में एक मसीही मुसलमान औरत को पापर्दा होने की वजह से कत्ल कर दिया गया, और फ्रांस में पर्दे पर पाबंदी लगा दी गई, अमरीकी पादरी कुरान जलाने की बातें कर रहा है। ये मुख्तलिफ ज़िंदगी के जो है आलमी सतह पर जो है इनका तसुब इस लिहाज से कि आलमी सतह पर उनके ये इकदाम रहे हैं जिसकी वजह से वो मुसलमानों को लेट डाउन करने का कोई जो है उनको जो है कोई भी जो फील्ड ऑफ लाइफ है उसको वो पीछे नहीं कर रहे, और मुसलमानों के साथ तसुब को ज़िंदगी के हर मामले में वो जो है अमलन भी वो ज़ाहिरन भी वो क्या करते हैं शो करते हैं। मुसलमानों पर ममालिक पर कब्ज़े किए और इनके जो मुखालिफ लोग हैं उनको ज़्यादा जो है अनायतें की, और मीन को उनको इस तरह से वो स्ट्रॉन्ग माली तौर पे स्ट्रॉन्ग करते हैं कि वो मुसलमान जिस तरह से जो हैं
इसराइल है, और इसराइल वगैरह जो हिंदुस्तान ये सब को उनको सपोर्ट करते हैं कि वो मुसलमानों के जो ख़िलाफ़ हैं वो अपनी कुव्वतों को जो है ज़्यादा और बुस्टअप करें। इसके अलावा इनके जो मुसलमान जो मुसलमानों के जो जो लीडर्स हैं उनको उन्होंने जो हैं उनके इतिहाद को वो जो है वो कामयाब नहीं होने देते, जिस तरह से दाई शाह फैसल को उन्होंने कत्ल करवा दिया, और जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है उसको उन्होंने जो सारे इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को उन्होंने मसल नहीं होने दिया। और इसके अलावा जो है वहाँ जो कश्मीर बसीना फ़लस्तीन और चीचनिया के अंदर मुसलमानों को कत्लेआम हो रहा, जिसकी वजह से जो अक़वामे मुत्तहिदा इस बात इस मामले को जो है वो हर दफ़ा ही जो है सुनने के बाद इसको पे कोई अमल जो है अमल पैदा कोई भी जो है इस पे कोई पॉलिसीज़ नहीं मेक की जा रही, जबकि मशरक़ी तमीम में साइद की वजह से कुछ जो मामला हुआ था उसको जल्दी से हल कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर साइद मर रहे थे। इस तरह से जो है वो जो जो इस्लाम के जो जो उल्ट जो हैं चीज़ें जिस तरह से रियानी है मौसीकी है और फाशी उसको जो है अतदाल पसंदी के तहत के जो जो है नाम की जो नाम अतदाल पसंदी के मीन उसके अंदर जो इस्लाम के अंदर इसको एंटर करने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को जो है बुनियाद परस्त के तौर पर जो है जो इसको बदनाम किया जा रहा है कि ये मीन के जिन पुराने ख्यालात के हैं जो इनके जो हम लोग मीन के मुसलमान जो हैं वो इस्लाम की जो तलीमात उससे ज़्यादा जो है उससे जो बियॉन्ड नहीं जा रहे होते, तो उस वजह से उनको बुनियाद परस्त के तौर पे पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनली उनको बदनाम किया जा रहा है। इसके अलावा जो जो इस्लामी नज़रियातों का जो है कायदे उनको कमज़ोर किया जा रहा है, और जो है पाकिस्तान के अंदर आगा खान तलीमी बोर्ड को जो है उसके क्याम की कोशिशें की जा रही हैं, और इनके अंदर तसव जो है वो इसने कदर ज़्यादा कि एक जर्मनी में एक मुसलमान से एक मिस्री मुसलमान औरत को पर्दा करने की वजह से कत्ल कर दिया गया, और अमरीकी पादरी जो है उनका जो पोप है वो कुरान को जलाने की बातें कहते हैं कि इस कुरान को जलाने से क्या होगा उनके जलाने से कि हम लोग इसे जो दीन है इसको जो है दुनिया से जो क्या है ख़त्म कर सकें। इस्लाम का खौफ वो इस वक्त मुसलमान आलमी सतह पर मादी लिहाज से कोई बड़ी कुव्वत नहीं, लेकिन इस्लामी नज़रियात में बहुत कुव्वत इससे मगरबी तहज़ीब खौफ ज़्यादा है क्योंकि वो नज़रियाती तौर पर इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मादी में इस्लाम की बढ़ोतरी का मंजर वो देख चुके हैं क्योंकि इस्लाम ने मशरक़ी रूमी सल्तनत को सियासी और मगरबी तौर पर अपना हम नवा बना लिया था। फिर इस्लामी तरीके हर मुल्क में मौजूद हैं, बार जगह पर तो वह इलेक्शन जीत गए थे, मसलन अलजायर तुर्की नाइजीरिया और फलस्तीन वगैरह में, इसलिए वो दुनिया में कोई इस्लामी ममलकत नहीं बनने देते। जहाँ इस्लाम पसंद जमहूरियत के ज़रिए आगे हो आए इनकी हुकूमतें ख़त्म कर देगी मसलन मिस्र और फलस्तीन के अंदर मुसलमान, क्योंकि दुनिया में से अब के जो हालात के मुताबिक वो मादी लिहाज से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं जितने जो है यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, क्योंकि वहाँ उनके ममालिक ने जमहूरियत जो है उसके तहत उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की मादी तौर पे, जबकि जो मुसलमानों के जो हैं इस्लामिक कंट्रीज़ की वो कोई भी जो है उसके इतिहाद के वो मौसर नहीं बनने देते, लेकिन उनके इसके बावजूद भी वो मुसलमानों को अपने लिए ख़तरा समझते हैं क्योंकि उनका इनके साथ नज़रियाती जो है ख़तरा है, और जो नमाजी में उन्होंने देख लिया कि नज़रियाती जो है इख्तलाफ के बावजूद भी मुसलमानों ने किस तरह से मशरक़ी रूम की सल्तनत को जो है को सियासी और मगरबी तौर पर अपना हम नवा बना के वहाँ पर क्या की इतनी हुकूमतें की। मगरबी जमहूरियत ये इस्लाम के माशरती निज़ाम से मुतसादम, यह भी मगरबी गलबे के ज़रिए मरूफ मुश्तरक और बग़ैर मुतसब मगरबी मफक्कर दानिशवर एडवर्ड सईद लिखते हैं, खून ख्वार और मगरबी फ़िक्र के सियासी तर्जमान जमहूरी रवैये ने सिर्फ आज़ादी का नकाब ओढ़ रखा है, हालांकि इसके दिमाग में तसल्लत और इस्तलाल का मनसूबा ही गालिब और पशीदा है। जो इसे एक रोशन ख्याल एक मफक्कर मगरबी मफक्कर लिखता है कि जो इसको जो है मगरबी है वह खून ख्वार इसका जो 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 जहन है वह खून ख्वार है, और वह ये जो दुनिया में इसने जमहूरियत का सिर्फ इसने अपना सिर्फ एक लिबादा हो रहा हुआ है, अंदर से वो बहुत खून ख्वार इसकी जो फिक्र है और इसके इताअत वह सिर्फ पूरी दुनिया पर सिर्फ अपना तसल्लुत पैदा करना चाहता है, अपना कब्ज़ा करना चाहता है। तोहीन रिसालत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन मगरब का अहम मशगला है। अभी हाल ही में हॉलैंड के अखबार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून शाये किए जिससे मुसलमानों में शदीद रद्द अमल पैदा हुआ, पूरा मगरब हॉलैंड की पुश्त पर खड़ा हो गया। इसके बाद दूसरे मगरबी ममालिक में भी कार्टून शाये करने का यह सिलसिला चल निकला। इस तरह इस्लाम के बुनियादी कार्ड असालत और कुरान पर हमला आवर होते रहते हैं जिसके नतीजे में खिलाफात बढ़ रहे होते हैं।
वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन जो सालत के लिए उन्होंने एक जगह क्या किया, एक हाईलैंड के अंदर एक अखबार के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा नौज़बिल्लाह कार्टून शाये किया, जिसकी वजह से जब मुसलमानों के अंदर जो बहुत ज़्यादा शदीद रद्दमल पैदा हुआ तो उसके जो है मगर पूरा का पूरा हाईलैंड के साथ हो गया, जिसकी वजह से क्या है कि मुसलमान ज़्यादा जो है कमज़ोर, जिस मुसलमानों के अंदर अब मुसलमान कंट्रीज़ के अंदर उस तरह से इत्तेहाद नहीं है कि वो इन मकवाम का जो है वो सोर्सेज के तहत इनका जो मुकाबला कर सके। तो इस तरह से वो मुसलमानों को मुश्किल करने के लिए उनके अंदर उनकी जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, ताकि मुसलमान की जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इन्हीं पे रहें और इतशाल में वो इतशाल में रहें और दूसरी ज़िंदगी के जो जो है दूसरे मामलों में हैं उस तरह से तरक्की ना कर सकें जिस तरह से मगरबी ममालिक ने जमहूरियत को इख्तियार करते हुए तरक्की की। इस्लामी और मगरबी तहजीब का मुवाजना तनकीदी जायजा। इस्लामी तहजीब एक नज़रियाती तहजीब है जिसमें ज़िंदगी के वाज़ेह असूल बयान किए गए, जबकि मगरबी तहजीब का कोई नज़रिया नहीं, हालात और मफादात के मुताबिक तब्दीली होती रहती है। इस्लाम के अंदर जो भी जो जमात के असूल हैं, जो ज़िंदगी के इंडिविजुअल असूल है, उसमें इम्प्लीमेंट करना है और करना है, जबकि इस्लाम जबकि मगरबी तहजीब के अंदर जो इंडिविजुअली ज़िंदगी के अंदर वो शख्सी आज़ादी के बारे में देर होती है, जब कोई इज्तमाही तौर पर कोई जो जो सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो उसको अंदर उसके अंदर वो अपने मज़हब को फॉलो नहीं कर रहे तो और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो उनको अपने मुफाद के लिए सही लगता है उसके लिए वो क्या कर रहे थे उसके अंदर तब्दील करके कोई भी जो है पॉलिसीज उनको मेक करते हैं। इस्लामी तहजीब में दीन का वाज़ेह तसव्वुर मौजूद है जिसमें ज़िंदगी के हदूद क़यूद तय कर दी गई जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आसान है। इस्लाम के अंदर जो है लिमिटेशंस है, इस्लाम के अंदर जो इन लिमिटेशंस को क्रॉस करता है उसको इस्लाम से भी क्रॉस समझा जाता है। मीन के जो कत्ल का जो रूल है वो कत्ल के बदले कत्ल का जो रूल अल्लाह ने वज़ा किया है, कोई भी अदालत इसको डिनाई नहीं करती, उसी के अकॉर्डिंग ही फैसले किए जाते हैं। जबकि मगरबी तहजीब में दीन का वाज़ेह तसव्वुर मौजूद नहीं। ईसाइयत और यहूदियत जो मज़ाहिब इस तहजीब के रूहानी रहनुमा हैं, तलमात के अतबार से नाकस हैं, इनकी रहनुमाई सिर्फ आबादा तक मदूद है। तो इनके जो है ज़िंदगी के सारे मामलों में वो एक दूसरे वो कोई जो है वाज़ेह मुकम्मल लायामल नहीं फ्राहम करते, जिसकी वजह से इनके तल्लुक जो है मज़हब के साथ सिर्फ और सिर्फ जो है आबादा तक मदूद है। इस्लामी तहजीब मादियत और रूहानियत का हसीन इम्तियाज़ है, इसमें दोनों का हैरत अंगेज़ तवाज़ुन रखा गया है। ना रूहानियत का गलबा है कि मादियत नज़रअंदाज कर दी जाए, ना मादियत का गलबा है कि वो रूहानियत को कुचल दे। मगरबी तहजीब रूहानियत से बिल्कुल खाली, इसमें मकसद हयात सिर्फ और सिर्फ दौलत का जायज़ और नाजायज़ तरीके से हसूल है, इसके लिए हर शैतानी हरबा इस्तेमाल किया जाता है। इस्लाम के अंदर जो रूहानियत है, इंसान की जो इनर सोल है, उसका भी ख्याल रखा गया है और इसका जो है और उसका मादियत है ना तो इसके अंदर जो है ज़बानियत का अख्तियार करने का जो है हुक्म दिया गया और ना ही मादियत जो है कि वो गलबा हासिल करती है इंसान की ज़िंदगी पर। इसका जो इस्लाम के अंदर क्या है कि असीन जो है इम्तिजाज जो है जो कम्बिनेशन है उसको जो है अल्लाह ताला ने इंसानों के काम को इल्हामी किताब के ज़रिए से अता फरमा दिया है। उसके बाद जो आपके मगरबी तहजीब के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि सिर्फ दौलत को जायज़ और नाजायज तरीके से और हाशतानी हरबा इस्तेमाल करते हुए सिर्फ उसको हासिल करना है। इस्लामी तहजीब ने ख़ानदानी निज़ाम को मुस्तकम किया, निकाह को ज़रूरी करार दिया और ज़वाजी तलकुआत की अहमियत बयान के इतलाक को नापसंद करार दिया। मगरबी तहजीब में ख़ानदानी निज़ाम टूट चुका है, तलाकों का सिलसिला आम है, जिसकी वजह से ज़वाजी तलकुआत दिन ब दिन कशीदा हो रहे हैं और जना आम हो रहा है। उसके अलावा इस्लामी तहजीब में असमत इंसानी पर जोर दिया गया, मर्द को एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने की इजाज़त है, लेकिन जिनसी तस्किन सिर्फ बीवियों तक मदूद है, बेपर्दगी बेहयाई और इजना सख्त जुर्म है। मगरबी तहजीब में असमत का तसव्वुर धुंधला चुका है, इजना बेहयाई और बेपर्दगी आम है, जिसने निज़ाम इफ़्त व असमत को ख़त्म करके रख दिया है। इस्लाम जो है वो कोई हया की जो इस्लाम है उसके अंदर हया जो है उसका भी दीन का रुकन करार दिया, जिसके अकॉर्डिंग क्या कि इस्लाम के अंदर जो मर्द को एक से ज़्यादा शादियों की परमिशन दी है, जिसकी वजह से क्या है कि वो उसको जो जिनसी तस्कीन सिर्फ बीवे तक मदूद रखी, जबकि जो मगरबी तहजीब है उसके अंदर जो है उसके अंदर वो असमत का है और जो इंसानी वक़ार और उसकी इज्जत का जो है तसव्वुर वो धुंधला चुका है, जिसकी वजह से उनके अंदर जना और बेहयाई और बेपर्दगी आम है, जिसकी वजह से इनको अंदर जो निज़ाम इफ़्त व असमत है वो ख़त्म होकर रह चुका है। इस्लामी तहजीब में मसावात का मजबूत तसव्वुर मौजूद है, जिसमें तमाम मुसलमानों बल्कि इंसानों को बराबर अहमियत दी जाती है, जिससे इंसानियत बावकार मुकाम हासिल कर लेती है।
مغربی تہذیب میں مساوات کا تصور بہت کمزور ہے، اگر ہے بھی تو صرف اپنے ملکوں تک محدود ہے، جبکہ دوسرے مذاہب اور مفادات میں مزاحم لوگوں میں مساوات شامل نہیں کی جاتی بلکہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے ہر حربہ برتا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے مساوات ہے، زندگی کے ہر معاملے کے اندر جو ہے ان کے اندر مساوات کا تعلق ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کے اندر کیا برابری کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے وقار کے اندر جو کیا ہوتا ہے جو اے وہ باوقار جو مقام حاصل کر لیتا ہے، انسانیت کا جو باوقار حاصل کیا ہے مقام حاصل کر لیتا ہے، جبکہ ان کے اندر جو ہے مساوات کے تصور موجود نہیں ہے۔ وہ ایون کہ وہ اپنے مشرقی کنٹریز کے اندر اپنے ہم مذہب بھائی جو ہیں ان کو بھی کیا سمجھتے ہیں، وہ تھرڈ وہ سیکنڈ سٹیزن کنٹری کے طور پہ ان کو سیکنڈ سٹیزن کے طور پہ ان کو وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ان کے اندر جو مساوات کا جو ہیں وہ کنسیپٹ بالکل نہیں ہے۔ تھینک یو آل آف یو، ہیو اے گڈ ڈے۔